हाय गाइस, माय मेरे स्टार नाम जो सुजो का नाम नहीं सुना है तो लुक एट द वीडियो, लुक एट द वीडियो बेस। तो आज हम जा रहे हैं भाई अपनी एक्टिवा को सर्विस करा दे। मतलब पहले मैं सर्विस कराया था लॉकडाउन के मतलब लॉकडाउन का थर्ड वीक खुल गया तब मैं करवाया था, तो थोड़ी आधी बाकी थी। तो चलो उसको आज निपटा देंगे क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं, दूसरे काम भी है। तो चल दो चलते। तो एक बार शॉप पे आने से पहले एक बार अमेजोन पे चेक कर दे इंजन ऑयल कितने का है। 307 279 मोटून था, पर ये एल ई वाला है 800 ml का लगता है स्कूटर पे। बाकी सब बाइक पे 1 liter 1.5 594 एंड कैस्ट्रॉल का भी आता था इधर। कैस्ट्रॉल अभी नौ, ये तो उसका है बिल का। ये इतना ये इंजन ऑयल कभी लेना मत, तो बता रहा हूँ मैं। ओके, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, जल्दी काला हो जाता है। तो कैस्ट्रॉल का अवेलेबल नहीं है यहाँ पे कैस्ट्रॉल एक्टिव 320। तो ये इंजन ऑयल बेस्ट है फॉर स्कूटर एंड मोटूल का। तो ठीक है, तो रेट अपने मालूम पड़े कितने रेट पे चेक करते हैं अभी। ये तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं, अभी गाड़ी का इंजन ऑयल कैसा चेंज करना है समझने का स्कूटर में, क्योंकि स्कूटर में सब मालूम नहीं पड़ता है कि नॉविगेशन इंजन ऑयल ख़राब हो गया। ये एडवांस अब स्पोर्ट्स बाइक में आता है, तो शॉर्ट कट बताओ कैसे चेक करते। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसकी साउंड थोड़ी चेंज होती रहेगी, मतलब सॉफ्ट साउंड आती ना एक्टिवा में वैसी आ रही नहीं है। मतलब इसका इंजन ऑयल मतलब चलेगा, अभी एक हफ्ता चलेगा, ब्लैकिश हो गए और एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं एक्सरे को दिखाता हूँ। ये सिंगल स्टैंड पे तो घूम जाएगी, चलो चलते। तो ये इंजन ऑयल मैंने लिया हूँ परचेस किया शॉप से ऑफलाइन। तो मेरे को ये 290 का पड़ा है। ओके, ये 800 ml का है, इसके प्राइस लिखिए 307 रुपया, मुझे 290 का पड़ा है। ओके, और ये सील पैक है, खुल रहा नहीं है। अभी मैं डालूँगा ना आपको एक बार दिखा दूँगा, यहाँ पर लेबर रहेगा मतलब। ठीक है, चलते हैं अभी इसको अपलोड करने का और आईनी फिटिंग भी करने का। थोड़ा गियर बोल रहा यार, अपने ब्रेक लीवर भी टाइट करने के। तो चलो लेट्स गो। तो आपको मैं एक बार फिर से सुना था वॉइस, मतलब इंजन ऑयल मतलब आवाज़ देखो कैसी करी बाइक की। थोड़ा घड़घड़ आवाज़ आ रही है, मतलब इंजन ऑयल जाने वाला है, एक हफ्ते में चल देगा, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, जैसा कि मैं बोला था भाई, पूरा ये ब्लैक हो गया है, एक दो दिन और चलता है फिर ख़त्म हो जाती है वाली वीडियो। चलो अच्छा है, पहले चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि जब उसकी फिर छाक नहीं कर रहा, मतलब गया था आज ना कल, वो चेंज करना ही था। एक और एक बार बोलना चाहूँगा, अभी मैं कैस्ट्रो का ला रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं 40 का डाल के चेक करूँगा कितना किलोमीटर पे चेंज करना पड़ा है। ठीक है, तो ये बात मेरे को याद रहनी, इसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बात चीज के अंदर भी। तो सही है, रुकना है कौन से टाइम? नहीं है इधर। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भराने, क्योंकि पेट्रोल फ्यूल खत्म हो गया था इसका, मैंने देखा भी नहीं था निकलने के टाइम पे। तो थोड़ा सा ही 1 किलोमीटर के आसपास ही है पेट्रोल पंप से जाते पेट्रोल भराने। ऐसे तो सब काम हो चुका है, बस ये काम खाली बाकी है। अपन घर पे आएंगे तो बताऊँगा कितना टोटल बिल बना है। बिल तो एकदम सिंपली बना है क्योंकि स्कूटर है यार,
मैं खा गई। चलो के आ चुके हैं। तो वहाँ पे हवाला था तो अपन वहाँ पे रिसेंटली हवा भरा रहे। फिर तो आपको एक टेक्निक बताऊँगा, ठीक है। अभी मैंने कैस्ट्रोल का डाला है इंजन ऑयल, उसकी साउंड अलग हो गई है, मतलब पहले जैसी हो गई है। तो आपको पहले का साउंड चेक करना और अभी का साउंड चेक कर लेना, ठीक है। देखो जो ये आवाज़ आ रही है ना रिसेंटली सॉफ्ट आवाज़, ये आवाज़ गायब हो गई थी पहले, ठीक है। मतलब ये आवाज़ अभी गायब हो जा रही है ना, मतलब इंजन ऑयल ब्लैक हो गया। वैसे आपने पहले वीडियो में देखे रहेंगे स्टार्टिंग में इंजन ऑयल पूरा ब्लैक हो गया था, खाली एक दो दिन चलता था फिर ख़त्म हो जाता था। ओके तो चलो चलते। फाइनली मेरा टच इन द होम, तो घर पे आ चुका हूँ मैं, सब काम निपटा के अपना सब हो गया है। और जो मैं टेक्निक बताया ना एक बार ट्राई करना, यूज़फुल होती है। अगर यूज़फुल नहीं हो रही ना तो आप नहीं कर पा रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आ रही टेक्निक, तो आप अपने डायरी में तो किधर भी आप लिख कर रख दो 25,000 किलोमीटर मैंने ऑयल चेंज किया था। मिनिमम 3,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करते हैं, क्या स्पोर्ट्स बाइक हो या आपकी या स्कूटर हो या फैशन प्रो, कौन सी भी बाइक हो, नॉर्मल बाइक भी हो, ठीक है। और आप एक साल में एक बार सर्विस, मतलब ऑयल चेंज होना ही चाहिए। आप स्पोर्ट्स बाइक में तो मालूम है इतनी चलती नहीं बाइक, वैसे भी बहुत कम ही चलाते हैं लोग, तो 1000 cc की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक साल में एक बार चेंज करना ही चाहिए। और सेकेंड थिंग वो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, आप कॉस्ट बताओ, कॉस्ट 320 वाला का 290 अपना ऑयल का कैस्ट्रोल का, और सेकेंड 30 rupees जो लेबर चार्ज रहता है उसका। मैंने सब फिट वीट सब कराया ना, सब फिटिंग वीटिंग देख के सब टाइट करा के और ऑयल लगवा के सब हो गया। बस वीडियो पे एंड करते हैं गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड सेकेंड थिंग दैट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब कैडी सामने आ रही है। और सारे कुछ बोलने देखो ऐसा क्यों कर रही थी बार बार, सब देख रहा था। सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अजान भी हो रही है, सब्सक्राइब कर दो अभी।